हेलो गाइस, सोशल कम्युनिटी यूट्यूब चैनल में गाइस एक बार फिर से आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो ये 2023 का पहला मेरा व्लॉग है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने घर में ठीक होंगे, मस्त होंगे और गाइस एंजॉय कर रहे होंगे इन दिनों में। तो गाइस मैं जम्मू एंड कश्मीर के एक छोटे से राज्य से हूँ और मेरा एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर मैं अभी किराए पर रहता हूँ। और मेरा गाँव भी बहुत पहाड़ी एरिया में है, हिली एरिया में है और अभी मैं यहाँ पर सिटी में हूँ। और गाइस देख सकते हो यहाँ का वेदर कितना अच्छा सुहाना है। और अभी गाइस अभी बता दूं कि सर्दियों का मौसम है और दिसंबर का महीना तो निकल गया जैसे तैसे करके। अभी नया साल, नया उम्मीदें और नई उम्मीदों के साथ हम आगे चल रहे हैं गाइस। तो अभी उम्मीद करता हूं कि ये 2023 का जो साल है बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए और काफ़ी कुछ इसमें मैं अचीव करूंगा और आप भी कुछ अचीव करेंगे अपनी लाइफ में। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। मैं आया था यहाँ पे सैर करने और अभी मैं जा रहा हूँ घर के लिए, रूम के लिए वापस। तो मिलते हैं आगे जाके, हम थोड़ा और जाएंगे। कुछ व्यू इस तरह करके है और हरियाली भी है यहाँ और साथ में यहाँ का व्यू जो है एक गांव एरिया का जो होता है ना, गांव की जो लाइफ होती है उस तरह करके यहाँ तक दर्शाया गया है। और यहाँ मेरा कॉलेज पास में ही है और यहाँ पे मैं थोड़ा स्टडीज आजकल कर रहा हूँ और यहाँ का व्यू बहुत ही सुनहरा और हरियाली यहाँ की सबसे ज़बरदस्त है। तो बिना टाइम वेस्ट करके आगे चलते हैं। इस यहाँ में आया था सैर करने अभी सुबह, तो अभी मैं चलता हूँ वापस घर के लिए। तो घर यहाँ से मेरा बिल्कुल पास में ही है और यहाँ से कॉलेज भी है, यहाँ देख सकते हो। अभी जा रहा हूँ रूम। काफ़ी देर के बाद मैं अपना व्लॉग शूट कर रहा हूँ। 2023 जब से आया तब से मेरे को टाइम नहीं मिला व्लॉग शूट करने के लिए और हफ्ता आपके बाद आज मेरा व्लॉग आ रहा है। तो गाइस पूरा व्लॉग देखना। अब हमने काफ़ी देर बाद आग जलाई है और क्योंकि ठंड बहुत है, टेम्परेचर बहुत कम है और दुकान बंद करके भैया जा रहे हैं। अभी यहाँ पे मोमोज बनते हैं और यहाँ देख सकते हो आग जलाइए। अभी हम चलेंगे आगे, ये जा रहे हैं पानी भरने के लिए ट्यूबवेल के पास और हम भी ट्यूबवेल का थोड़ा सा नज़ारा लेते हैं और फिर घर जाएंगे। ठंड बहुत वहाँ की जो हरियाली है ना, औसम औसम। यहाँ की ऑक्सीजन लेवल हाई, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल का। यहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो नेक्स्ट लेवल है गाइस। तो मैं सुबह सुबह यहाँ ऑक्सीजन लेने के लिए आता हूँ फ्रेश। और यहाँ है ट्यूबवेल और देख सकते हैं यहाँ पे पानी भी है जानवरों को पिलाने के लिए। मैं भी यहाँ पे कभी मुँह शू धो लेता हूँ, यहाँ पे पानी साफ भी है, यहाँ निकल रही है। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। अपने रूम के पास ही ऑलमोस्ट आप चलता हूँ अंदर, फिर देखते हैं दिन की शुरू कितनी हरियाली है यहाँ। भैया क्या कहना चाहती हो? कितने दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं GCT कॉलेज के बैंक में है और वहाँ से ये छोटे ने पैसे निकाले हैं और इसको आज मैंने सिखाने है कि बैंक से कैसे पैसे निकालते हैं। तो चलेगा आज बैंक में? हाँ। क्या करना है? पैसे निकालने। पैसे निकालने? तेरे को ज्यादा पैसे हो गए? नहीं, मम्मा ने कहा है। मम्मा ने भेजा तेरे को? इधर बोलना, इधर कैमरा बहुत नहीं है। हाँ, हाँ इधर देख के बोलना। सभी हम पहुंच चुके हैं GCT कॉलेज में और आ जाएंगे कॉलेज में, कुछ काम है बैंक में। तो अंदर तो झंडकी बैंक के पास हम पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। अभी हम एंटर दिन है कॉलेज में, आज मैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ गाइस वहाँ पे मैं आज मेरे को मिल जाए। क्योंकि कल मैंने अप्लाई किया था और काफ़ी टीचरों से मिले और उनसे साइन कराने होते हैं, NOC लेनी होती है, लाइब्रेरी क्लियर करनी होती है, सारा कल मैं करके आया था। कल का व्लॉग तो नहीं चढ़ाया बट गाइस आज मैं आखिरी दिन है कॉलेज का, तो मैं सकता हूँ वो व्लॉग बना के ही जाए। तो स्टार्ट कर, मैं निकल चुका हूँ और हमारी कॉलेज की जर्नी हो चुकी है ख़त्म और हमारी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। वो कॉलेज के लिए तो अभी हमारे को 5 मिनट लगेंगे यहाँ से सिर्फ मेरे को कॉलेज पहुँचने में। और गाइस मैं बता दूँ कि कॉलेज से जा रहा हूँ साथ में जो कॉलेज के सामने जो रेस्टोरेंट है ना उसका नाम है
बाइट्स रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे हम ज़रूर जाएंगे और वहाँ की मैं आपको बताऊँगा खास क्या चीज़ें हैं जो हमारे जेसीडी कॉलेज के सामने रेस्टोरेंट में मिलती हैं। बहुत ही अच्छा और एक नया रेस्टोरेंट खोला गया है कॉलेज जेसीडी के सामने और काफ़ी कुछ वहाँ पे खाने को है, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट। कॉलेज मेरे बगल में ही है और अभी देख सकते हो यहाँ पे हम रेस्टोरेंट के पास पहुँच चुके हैं और ये कुछ माहौल है जेसीडी का इस तरह, और यहाँ पे है बाइट्स का फूड बाइट्स रेस्टोरेंट। अभी हम जाएंगे आते वक्त कॉलेज सकते हैं। मेरी प्रोफेशनल डिग्री मेरे को मिल गया था इस कॉलेज से और अभी हम जाएंगे बाहर। ये है मेरी प्रोफेशनल डिग्री और सर्टिफिकेट इसके साथ सारे। अभी हम जाएंगे 12 जनवरी और कल लोहड़ी है और गाइस लोहड़ी से पहले मेरे को जो तीसरी महीना उससे पहले मेरे को प्रोविजनल डिग्री मिल गई और आज मैं बहुत खुश हूँ गाइस। तो अभी चलेंगे, हम जा रहे हैं कॉलेज कैंपस से बाहर और काफ़ी बदला सा लग रहा है कॉलेज क्यों काफ़ी देर बाद आए हैं। वैसे तो मैं मेरे घर के रूम के पास ही है बट अभी जा रहे हैं आगे हम, फिर पता नहीं कभी इस कैंपस में आएंगे अपने जॉब के साथ और बीवी के साथ बच्चों के साथ। यहाँ कभी आएंगे उसका हमारे बच्चे इस कॉलेज में पढ़े, इन फ्यूचर इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा वो कहावत पुरानी हो गई है। यहीं तक था मेरा जीसीटी कॉलेज का सफ़र और गाइस आज के बाद जीसीटी को बाय बाय अलविदा और मिलेंगे किसी एक नए मोड़ पे। गाइस बता दूँ कि जीसीटी का सफ़र बहुत अच्छा रहा और कुछ बहुत ही मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतनी जितना कि यहाँ का अच्छा रहा व्यवहार मेरा और काफ़ी कुछ अच्छी स्टडीज़ रही। और अब मेरे ब्लॉग जीसीटी के कम आएंगे गाइस, कोई नई जगह नया टारगेट पकड़ेंगे और गाइस जुड़े रहना गाइस। तो जो नए आए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।